सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप आते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उससे पर्टिकुलर कुछ दवाइयां दी जाती है। उन दवाओं में कुछ दवाइयां प्रेग्नेंट होने से लगाकर बच्चे के जन्म तक दी जाती है, कुछ दवाइयां स्पेशल आवश्यकता पड़ने पर दी जाती है। तो वे दवाइयां कौन सी हैं, उन्हें क्यों दिया जाता है और किस तरह से उन दवाइयों को लेना चाहिए और इसके साथ कई अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे इनके बारे में आपको सभी जानकारी मिल सके। साथ ही यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर से करें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है या किसी को प्रेग्नेंसी कंसीव करने की प्लानिंग चल रही है, तब उस समय डॉक्टर द्वारा एक टेबलेट लगभग सभी महिलाओं को दी जाती है। वह टेबलेट कौन सी है? वह टेबलेट है फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम टेबलेट, और इस टेबलेट को आप मार्केट से फुल वाइट टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं, जो इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड है। यह जो फोलिक एसिड टेबलेट है, इसे सामान्यतः प्रेगनेंसी कंसीव करने के 2 महीने या 3 महीने पहले डॉक्टर द्वारा शुरू की जाती है और प्रेगनेंसी होने के 2 या 3 महीने तक इसको लगातार दी जाती है। जब प्रेगनेंसी होने का 2 या 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं तो उसके बाद में फोलिक एसिड टेबलेट को बंद कर दी जाती है और उसकी जगह पर आयरन विद फोलिक एसिड नो कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है, और साथ में एक और टेबलेट दी जाती है जो कैल्शियम की टेबलेट होती है। और यह दोनों ही टेबलेट जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, मतलब पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में महिला को रेगुलर दी जाती है। और इनको देने का कारण है कि जब भी महिला को आयरन और फोलिक एसिड कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाएगी तो महिला में जो खून है, जो हीमोग्लोबिन है, उसकी मात्रा नियत रहे और साथ ही जो कैल्शियम है उसका भी जो बैलेंसिंग रहे, डेफिशिएंसी नहीं हो, बच्चे और माँ में पूरी कैल्शियम की मात्रा पहुँचे। इसको सामान्यतः अगर देने की बात करें किस तरह से दिया जाता है, तो अगर नॉर्मल रेंज पे हीमोग्लोबिन है और कैल्शियम की मात्रा है तो उसे दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और किसी किसी पेशेंट में अगर हीमोग्लोबिन 10 से नीचे है तो उसे जो आयरन टेबलेट है दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, और कैल्शियम भी कई बार 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। और इस टेबलेट को हमेशा खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और यदि कोई महिला है जो आयरन की टेबलेट ले रही हो और टेबलेट लेने के बाद उसको उल्टी जैसा लग रहा हो, तो वो आयरन की टेबलेट को ड्यूरिंग द मील खाने के बीच में ले सकती है, जिससे कि उसको उल्टी की समस्या कम होगी। और जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एक समस्या बहुत ही आम देखी गई है, जो उल्टी और मल्टी की है, जिसे हम नोजिया वोमिटिंग कहते हैं, साथ ही मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है। सुबह उठने पर महिला को बहुत ज़्यादा उबके आते हैं, कई बार इस कारण से वो खाना भी नहीं खा पाती है। तो इसके लिए भी डॉक्टर एक पर्टिकुलर टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम डॉक्सिलामाइन फ्लक्सिनेट टेबलेट कहते हैं, और ये डॉक्सिनेट टेबलेट के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। यदि महिला इस टेबलेट को सुबह खाने के पहले लेती है तो उसे काफ़ी हद तक उल्टी और मतली से निजात मिलती है, और एक टेबलेट लेने से फ़ायदा नहीं मिले तो दिन में 2 टेबलेट दी जाती है। और मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए कई बार डॉक्टर रात को 2 टेबलेट सोते समय लेने भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि जो डॉक्सिलामाइन फ्लक्सिनेट टेबलेट है, ये देने के बाद में भी महिला को उल्टी और जो मतली है उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ एडिशनल टेबलेट दी जाती है, जैसे कि डोमपेरिडोन टेबलेट, ओंडेंसेट्रोन टेबलेट या पायरीडॉक्सिन टेबलेट। यह आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं महिला को, जिससे कि उसकी उल्टी और मतली रोकी जा सके। और दूसरी अगर बात करें कंडीशनल टेबलेट्स की, तो वह टेबलेट्स होती है प्रोजेस्टेरोन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, डाइड्रोजेस्टेरोन। ये जो दवाइयाँ हैं महिला को कंडीशनल रूप में दी जाती है। कब दी जाती है अगर बात करें, तो यदि कोई महिला है जिसको प्रेगनेंसी हो गई है और प्रेगनेंसी होने के बाद स्पॉटिंग की शिकायत हुई, स्पॉटिंग मतलब उसको वेजाइनल ब्लीडिंग होने लग गई, और थोड़ी बहुत जब प्रेगनेंसी के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उस समय ये सभी दवाइयाँ देकर उस ब्लीडिंग को रोका जाता है। साथ ही कोई महिला है जिसको पास्ट में मिसकैरेज रहा हो और अब भी मिसकैरेज होने की संभावना है, डर है, तो उसको रोकने के लिए भी है जो तीनों दवाइयाँ हैं प्रोजेस्टेरोन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन तथा डाइड्रोजेस्टेरोन, ये सभी दी जाती है। इनको लेने के तरीके की अगर बात की जाए तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ की टेबलेट आती है, जो मरीज के नीड के अकॉर्डिंग उनको दी जाती है। सामान्य जो डोज है दिन में 1 लेने की सलाह दी जाती है, और ज़्यादा आवश्यकता होने पर दिन में 2 भी दी जा सकती है। वो आप अपने डॉक्टर की जो एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग इस टेबलेट को लें। और ये तीनों ही दवाइयों में से जो एक दवा आपको चल रही है, वह दवा कई बार तो आपको 2 या 3 महीने तक लेने के लिए कहा जाता है और उसके बाद बंद करने के लिए कहा जाता है, और कई बार थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी इसको लेना होता है, वो भी डॉक्टर की एडवाइस पर ही आपको लेना होता है।
तो दोस्तों ये ज़्यादातर जो प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयाँ थी प्रेगनेंसी के दौरान, मैंने आपको बताई है, हो सकता है अगर स्पेशल आपको प्रॉब्लम हो तो कोई और इंजेक्शन या दवा भी आपको लिखी जाए, लेकिन सामान्यतः यही प्रयोग ली जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और सभी आपके जो डाउट थे थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जोर से इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न रेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सके। आप अपने दोस्त मोहित आदि साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न रेडीज। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल, मेडिसिन यूजर्स।